जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है बिना किसी गलती के। इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, वीडियो को स्किप मत करें बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। उससे पहले मैं आपको कुछ इसमें बेसिक जानकारी दे दूँ, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली की ओर से, नई दिल्ली की ओर से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें जो आपकी पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें जो अप्रोक्स आपकी जो वैकेंसियाँ 3500 वैकेंसी इसमें रखी गई हैं। सैलरी की बात करें लेवल 7 की आपको इसमें सैलरी मिलेगी, ग्रेड पे आपका 4600 ग्रेड पे रहेगा, 34800 प्लस इसमें आपको सैलरी हो दी जाएगी। ऑल इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, इंस्टीट्यूट वाइज आपकी इसमें जॉब लोकेशन रहेगी, और जो इसकी लास्ट डेट आपकी 21 अगस्त 2022 लास्ट डेट रखी गई है। शाम के 5 बजे तक अपना इसका फॉर्म भर सकते हैं आप। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई, इस पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और मैंने आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर गवर्नमेंट जॉब की जानकारी की अपडेट दी जाती है। देखिए जो आपके फॉर्म है आज से ही शुरू हो चुके हैं, 4 अगस्त से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 21 अगस्त 2022 लास्ट डेट रखी गई है। अगर आपके अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन करेंगे तो आप 22 से 23 अगस्त के बीच में अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, और जो आपका एग्ज़ाम होगा 11 सितंबर 2022 को आपका एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 3000 रुपये फ़ीस है, SC ST और PWD EWS कैटेगरी के लिए 2400 रुपये फ़ीस है। PH कैंडिडेट के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं रखी गई, फ़ीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी। इसमें एज की बात करें, एज आपकी 18 से 30 साल एज रखी गई है, एज आपकी 21 अगस्त 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी इसमें। और देखिए इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपने BSc नर्सिंग कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम होगा आपका। क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, UR और EWS के लिए 50%, OBC के लिए 45%, SC ST के लिए 40%, और PWD और PH कैंडिडेट के लिए 45% इसमें क्वालिफाई मार्क्स रखे गए। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। अब मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन करके दिखाता हूँ। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, देखिए ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके देखिए यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा आपको वेट कर लेना है, साथ ही साथ देखिए जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद यहाँ से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी होगी, एड्रेस डालना होगा, एक्सपीरियंस, फोर्थ नंबर पे आपको मेक पेमेंट करनी होगी, उसके बाद चॉइस सिटी डालनी है आपको, अपलोड इमेज डालनी है, उसके बाद प्रिंट आउट आपको निकालना है। 7 स्टेप में आपको ये फॉर्म है कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको दोबारा से प्रोसीड पर क्लिक करना है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको देखिए पोस्ट अप्लाई करेंगे आप नर्सिंग ऑफिसर, जैसे ही आप इसे अप्लाई करते हैं उसके बाद यहाँ पर अपना पूर्ण नाम डाल देंगे, जो भी 10th क्लास के सर्टिफिकेट में है वही नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है, उसके बाद दोबारा से अपना फिलअप करेंगे नाम, उसके बाद यहाँ पर अपने फादर का नाम डाल देंगे, मदर का नाम डालना है आपको, उसके बाद अपनी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है SC ST OBC जनरल, जो भी अपने अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी को आप दोबारा से कन्फर्म करेंगे। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद अपना स्टेट का, जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका अपना डोमिसाइल आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने हरियाणा डाल दिया है। ID प्रूफ यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जैसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर डाल दिया तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद प्लेस ऑफ इश्यू यहाँ पर डाल देंगे, इशू डेट यहाँ पर आपको डालनी है। जैसे ही डालते हैं उसके बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन है यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, डेट ऑफ बर्थ को आप दोबारा से कन्फर्म करेंगे,
उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी को आप दोबारा से कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को आप दोबारा से कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर है या लैंडलाइन है जो भी अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप और कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हैं आप। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ से आपको डिक्लेरेशन देना है और यहाँ से आपको सेव एज प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके कंप्लीट हो चुका रजिस्ट्रेशन नंबर या आपकी कैंडिडेट आईडी रहेगी। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको वेट कर लेना है, प्रोसेसिंग वो स्टार्ट हो चुकी है। देखिए जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके। जैसे ही आप नीचे आते हैं उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आपको दिखा देता है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, सभी डिटेल को आप अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप देखिए प्रोसेट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेट पर क्लिक करते हैं उसके बाद प्रोसेसिंग वो स्टार्ट हो चुकी है। देखिए जैसे ही प्रोसेसिंग कम्प्लीट होती है उसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं यहाँ पर आपको क्वालिफाई एग्जामिनेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपने कर रखी है। यहाँ पर जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद स्टेटस यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे पास। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, कॉलेज का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ से एडमिशन डेट आपको डालनी है, उसके बाद पासिंग डेट यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। उसके बाद नीचे आएंगे आप, आपके पास देखिए ये आपसे पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर विथ नर्सिंग काउंसिल, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर उसका आप रजिस्ट्रेशन नंबर हो डाल देंगे नर्सिंग एंड मिडवाइफ फ्री का। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ से आप देखिए अपने अकॉर्डिंग स्टेट एंड नेम एंड काउंसिल यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर हरियाणा डाल दिया है तो अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। उसके बाद इशू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एड्रेस वो फिलअप करना है, यहाँ पर आपको एड्रेस अपना परमानेंट और कोपरोपेंडेंस एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे आप इंडिया। उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर डाल देंगे। उसके बाद अपनी स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने हरियाणा डाल दिया। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, साथ के साथ आपको थोड़ा वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी सिटी डाल देंगे। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस आपको फिलअप कर देना है। जैसे ही आप ये फिलअप करते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है, उसके बाद यहाँ से आपको सेव एज प्रोसीड पर आपको दोबारा से क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप भी कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेव एज प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है, ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद थोड़ा आपको वेट कर लेना है, साथ के साथ देखिए जैसे ही प्रोसेसिंग हो कंप्लीट होती है उसके बाद आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, आपका थ्री स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ स्टेप आपका वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए इसमें जो आपकी अगर आप पी एच कैंडिडेट हैं तो आपकी इसमें फ़ीस नहीं लगेगी। उसके बाद यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। अगर आप जर्नल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के टैगरी से है तो इसमें आपकी फ़ीस वो लगेगी। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं उसके बाद थोड़ा आपको वेट कर लेना है। उसके बाद अपने एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज करना है, जो भी एग्ज़ाम सेंटर आप देना चाहते हैं। यहाँ पर आपके चार स्टेप वो कम्प्लीट हो चुके, जो आपका फाइव स्टेप है यहाँ पर आप क्रम इसे कम्प्लीट करेंगे। अपना एग्ज़ाम सेंटर जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर देना लेना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपनी अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर हरियाणा डाल दिया है तो हरियाणा में जो जो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ से आपको दोबारा से अपनी एग्ज़ाम सिटी वो सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर आप इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर तीन एग्ज़ाम सिटी वो डालनी है, उसके बाद सेव एज प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। देखिए उसके बाद जैसे ही आप सेव एज नेक्स्ट करते हैं उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करनी है आपको, जैसे कि यहाँ पर आप फोटो अपलोड करेंगे। ये आपका फ़ोटो है, सिक्स मंथ से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका जो है वाइट होना चाहिए बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ से आप जैसे ही इन्हें एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद देखिए ऐसे अपना फ़ोटो आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने, सिग्नेचर आपको देखिए ऐसे अपने सिग्नेचर है वो अपलोड करने आपको। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब है जो यहाँ पर अपलोड करना है आपको, ऐसे अपना लेफ्ट थंब आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अगर आप पेड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, उसका साइज़ है 100 से 1024 का साइज आपका रखा गया है। उसके बाद डिक्लेरेशन देना आपको और यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करके अपना प्रिंट आउट आपको निकालना है, सिर्फ